हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी पॉलिटेक्निक के सबसे भरोसेमंद चैनल एसटीडी पावर पॉइंट में। आज की यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथियों मैं काफी दिन बाद वीडियोस बना रहा हूँ। थोड़ा दिक्कतें वगैरह चल रही थी लेकिन अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। आपको डेली वीडियोस कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वीटीयूपी से एक नई और लेटेस्ट अपडेट आई है। आज 7 नवंबर 2023 और 9 नवंबर 2023 को इसका लास्ट डेट है, यानी 1 से 2 दिन आपके पास समय बचा हुआ है यह काम करने के लिए। बीटीयूपी ने नया नया अनाउंस किया भैया कि आप सभी लोग को आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया करनी होगी। इसका इन फ्यूचर आगे चल के बहुत ज़्यादा लाभ दिया जाएगा। कहा तो यही गया, आगे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका तो पता नहीं, बाकी प्रक्रिया कैसे करनी है आइए आज की इस वीडियो में आपको पूरा डाउट क्लियर करता हूं। लेकिन उससे पहले साथियों आगे बढ़े आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप लोग साथियों यदि अपनी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप मतलब एक लिंक दिया गया एप्लीकेशन का, स्टडी पावर पॉइंट का, वहां से ऐप डाउनलोड के कर सकते हैं, जहां पे सभी ब्रांच सभी सेमेस्टर की लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच के साथ जाइए चाहे लाइव, सभी के साथ क्लास आपको दिए जा रहे हैं। सभी बैचेज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी जो बैच आपको पढ़ना है इनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं रह गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो एग्जाम वगैरह टॉपिक पे बनाई जाएगी, बताया जाएगा सब कुछ के बारे में। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो साथियों सबसे पहले नोटिस देखते हैं, नोटिस में क्या कहा जा रहा है, कॉलेज ने क्या कह दिया और आपको करना क्या है। तो साथियों देखिए, नोटिस जो नई नई आई है ये कॉलेज से यह प्राप्त हुआ है, जिसमें कि आप लोग को मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी कम करते हैं, हाँ इसमें आप लोग पूरी तरीके से पढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ठीक है, थोड़ा जो फेल वगैरह स्टूडेंट उसके बारे में बताएगा, तो आप उस पर भी टेंशन ना देखिए ध्यान से, आप खाली अपने टॉपिक पे आइए। देखिए साथियों आप सभी लोग को क्या करना है, बीटीयूपी पे रजिस्ट्रेशन करना सबसे पहले, ठीक। बीटीयूपी पे रजिस्ट्रेशन करना, वहां पे एक ऑप्शन आएगा आधार वेरिफिकेशन का। किसका आएगा? आधार वेरिफिकेशन का, समझ गए। तो आधार वेरिफिकेशन पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपना आधार नंबर डाल देना है, नीचे आपका दिखाएगा फैमिली आईडी और सबमिट कर देना, आपका हो जाएगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर होगी, कोई दिक्कत वगैरह होता कॉलेज में बोला गया संपर्क करिए, लेकिन हम आपको बताते क्या करना है। उसके बाद जो भी आपके पास या मतलब बन जाएगा, तो आपके पास हो सकता है डाउनलोड वगैरह ऑप्शन आए, तो आप लोग उसको डाउनलोड वगैरह करके कॉलेज में सबमिट करना होगा तो कर दीजिएगा। लेकिन बनाना कैसे आइए इसके बारे में आपको लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ स्टेप बाई स्टेप सब चीज़ें। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बीटीयूपी पे नहीं जाना है, सबसे पहले आपको फैमिली की एक आईडी बनानी पड़ती है। आइए उसको मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आप लोग को क्या सर्च करना है गूगल क्रोम पे, सबसे पहले वह समझिए। सबसे पहले आप लोगों को फैमिली, ठीक है, फैमिली आईडी यूपी, इस तरीके से आपको सर्च कर देना है। पहली जो साइट आएगी इसको क्या करना है साथियों, ओपन कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके पास भैया ये ऑफिशियल साइट आ जाएगी फैमिली आईडी का, जिसमें आप लोग को क्रिएट करना। अब देखिए कैसे क्रिएट करेंगे, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आप पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको न्यू फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए क्या क्या पूछा जाएगा हम आपको बताते हैं। देखिए यदि आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो आपको यहां क्लिक करना है, यदि आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको यहां नेम भरना है और यहां मोबाइल नंबर भरना है। देखिए मोबाइल नंबर आपको वही भरना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है, तो आपको वह मोबाइल नंबर बनना ओटीपी पे सेंड कर देना है। जैसे आप इतना काम करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हमने इसको ट्राई किया था, तो उसको आप फिल कर दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद वही नीचे ऑप्शन आएगा ऑलरेडी मतलब प्रोसीड आगे पेज पे जाने का, जिसमें आपसे मतलब आपका अकाउंट बताएगा बन मतलब वो लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन आगे का भी प्रोसेस रह गया। उसके बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के आगे प्रोसीड करना, फिर से आप सभी लोगों को आधार नंबर मांगा जाएगा, ठीक है, तो आप अपना आधार नंबर इसमें फिल कर दीजिएगा इसी साइट पे, ठीक है, आधार नंबर फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद एक ओटीपी आएगा, ठीक है, उसको फिल कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपका जो राशन कार्ड बना है ना, ठीक है, उसमें कितने फैमिली मेंबर ऐड हैं वो सब डिटेल आपको वहां पे शो होगी। और आपको यह भी बता दिया जाएगा कि आपका जो फैमिली आईडी है वह यही नंबर की है, ठीक है ना, आपका फैमिली आईडी यही नंबर है, तो आप लोग उस तरीके से इसको कर लीजिएगा। अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया था, बस इतने प्रोसेस है, उसमें कुछ भरने की जरूरत है, सिर्फ आधार नंबर करने की जरूरत है। मोबाइल से भी यह काम किया जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, लेकिन लैपटॉप ही होना चाहिए क्योंकि छोटा काम, इसमें कुछ अपलोड वगैरह चक्कर नहीं है। फैमिली आईडी आपको आ जाएगी, आपका काम यहां से समाप्त हो चुका है, ठीक है,
आपका काम यहां से समाप्त हो चुका है, अब आपको आगे का प्रोसीड करना है। जो भी आगे का भैया करना है उसके लिए क्या करना होगा, आप सभी लोग को BTUP पे आना है, ठीक है। तो देखिए आपको BTUP पे जाना है, ये देखिए BTUP के ऑफिशियल साइट पे हम आ गए हैं। आपको ये वाली साइट क्या करनी है, ओपन कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है साथियों, इसके बाद आप लोग जाइए यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये देखिए ई सर्विस जनहित पे जाइए, ये पहले यहाँ पे एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करिए, आपको देखेंगे ये चीज आ जाएगा। यहाँ आपसे इनरोलमेंट नंबर मांगा जा रहा है, पासवर्ड मांगा जा रहा है। देखिए यदि आपके पास इनरोलमेंट नंबर है और पासवर्ड है तो आप लोग क्या करिए कि भैया फटाफट डाल करके लॉग इन कर लीजिए, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहां से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। जैसे कि यहां पे क्लिक करेंगे, इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर आपका DOB पूछा जाएगा, फिर आपसे एक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा जो BTUP में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो उसको डालेंगे, पासवर्ड बना लीजिएगा, जैसे मान लीजिए अभी क्या बोलते हैं किसी का नाम मान लेते हैं अभी है, ठीक है ना, ABHI, तो ABHI कैपिटल में लिखिएगा अभी @, ठीक है, जो ए बना के ऐसे करते हैं @, फिर उसके बाद 2000 या 1 2 3 ऐसे लिख दीजिएगा, पासवर्ड बन जाएगा, अपने नाम के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा पासवर्ड। उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन बताएगा भी रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर स्टूडेंट लॉगिन पे जाएगा, इनरोलमेंट नंबर डालिएगा, वही पासवर्ड डालिएगा, लॉगिन हो जाएगा। फॉरगेट करना है फॉरगेट भी कर लीजिएगा। जब आप इसका क्या कर लेंगे भाई, यहां से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको क्या करना वो समझिए। ये जैसे यहाँ लॉग इन कर लेंगे, आपको यहाँ पे मतलब ऐसे ही पेज खुला रहेगा, आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पर आपको आधार वेरिफिकेशन लिखा होगा। क्या लिखा होगा, आधार वेरिफिकेशन, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आपसे क्या किया जाएगा भाई, आधार नंबर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, आपका अपना आधार कार्ड नंबर। तो आप लोग अपना आधार कार्ड नंबर तुरंत फिल कर दीजिएगा। जैसे आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे तो नीचे आएगा टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का, जिसमें यह कहा जाएगा कि आपका OTP, आईरिस, ये सब जो चीजें है ना, हाथ का फिंगरप्रिंट, ये सब यूज किया जाएगा इन फ्यूचर। मैं सहमति देता हूं आप यूज करिए, लेकिन किस लिए, कि आप ये चीज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ओनली करेंगे, ये सब लिखा होगा, उसको रीड कर लीजिएगा यानी पढ़ लीजिएगा। अब साथियों जैसे इतना प्रोसेस आपका हो गया, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन मतलब ये कर लिया, तो नीचे दिखाएगा वेरिफिकेशन या आगे प्रोसीड करने का, नीचे इस तरीके नीली बटन बनी आएगी, इस पर क्लिक करिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए अभी जब मैं यह चीज चेक कर रहा था तो उसमें मैंने ये देखा कि साइट स्लो थी, नहीं चल रही थी। अगर आपकी साइट नहीं चलेगी तो आप परेशान मत होइएगा कि दिक्कत हो गई। 9 नवंबर 2023 डेट है, तो आगे का डेट आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, सबको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। पूरा प्रोसेस सिखा दिया हूं किस तरीके से आप सभी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करने हैं, वेरिफिकेशन करने हैं, सब प्रोसेस बता दिया है। सबसे पहले फैमिली आईडी बनानी है, उसके बाद ये प्रोसेस पे आना है, ये नहीं सबसे पहले इसी पे आ जाओ। अगर ये नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन आप सबसे पहले फैमिली आईडी अपनी बना के रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस ये वीडियो में यही, बाकी स्टडी पावर पॉइंट ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। एग्जाम में ज्यादा समय नहीं रह गया, आप आइए हमारे साथ पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। साथियों देख ही रहे हैं बैक वगैरह का कितना चक्कर आ रहा है, ठीक है, मजाक मिलेंगे तो इसे लटक जाएंगे, फिर काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। तो बस ये वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास, मतलब इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।